हेलो गाइस, तो देखिए दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑन इंटरनल कैप्सूल। इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था कि इंटरनल कैप्सूल को 6.3 डायग्राम में हम पूरा कवर करेंगे। तो 6 पॉइंट में से हमने 3.123 शेप बाउंड्री पार्ट, तो शेप का बता दिया, बाउंड्रीज में कवर कर दी एंड पार्ट्स को इसमें बता दिया। तो ये दोनों चार्ट बनाए थे हमने फर्स्ट वीडियो में। अब आएंगे 1, 2, 3, इन तीनों का थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। अब आते हैं इन तीनों के डायग्राम पे कि इनका डायग्राम हम कैसे समझें। तो इस वीडियो में बताएंगे आपको डायग्राम इंटरनल कैप्सूल का कि दिखता कैसे है। तो देखिए कुछ नहीं, हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया तो कैसा दिखा था, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर का तो ये दिखा था वी शेप। तो कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले यहाँ क्या ड्रॉ करना है, एक वी शेप की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो मैं देखिए यहाँ कुछ नहीं, एक वी शेप की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये क्या बनाया मैंने, देखिए ना वी शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी। उसके बाद ये बता दिया, और बेसिकली देखिए ये डायग्राम कैसे हैं, हमने झाड़ू को काट दिया है, मतलब ये बहुत सारे फाइबर से झाड़ू के, इस झाड़ू को हमने ऐसे यहाँ से कट ऐसे कैसे काट दिया, काटने के बाद हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ओके, अब हमने बोला था कि जो वी शेप होगी इसकी कॉनकेविटी कहाँ होगी, लेटरल साइड। तो देखिए इसकी कॉनकेविटी ये है, मतलब ये क्या है लेटरल, ये क्या है मीडियल। तो दिस इज लेटरल, दिस इज मीडियल। ओके, हमने बोला था ना कि दोनों चार्ट की थ्योरी कवर करेंगे, तो ये वाला पूरा पोर्शन हो गया। उसके बाद मीडियल साइड, देखिए ना ये मीडियल है ये लेटरल है, तो मीडियल साइड आपको क्या मिलेगा, कोडेट न्यूक्लियस का हेड एंड थैलेमस। तो देखिए मीडियल साइड आपको यहाँ पे क्या बनाना है, कोडेट न्यूक्लियस, तो दिस इज कोडेट न्यूक्लियस, और मीडियल साइड क्या मिलेगा, थैलेमस। तो ये नीचे की साइड में बना रहा हूँ, दिस इज थैलेमस। ओके, तो दिस इज कोडेट न्यूक्लियस, ओके, एंड ये क्या है, दिस इज थैलेमस। तो ये हो गया थैलेमस। ओके, उसके बाद लेटरल साइड क्या होता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, मतलब देखिए जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है ना वो उसकी कॉनकेविटी में घुसा रहता है। अब बेसिकली इसकी कॉनकेविटी ये है, तो इस कॉनकेविटी में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, उस न्यूक्लियस को बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो कुछ नहीं, इस कॉनकेविटी में हमें एक न्यूक्लियस डालना है। ओके, तो ये पूरा पोर्शन जो कॉनकेविटी में ये रेड लाइन, ये पूरा पोर्शन है ट्राइंगल शेप से, इसे बोलते हैं दिस इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ओके, अब देखिए जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है ना, बेसिकली टू पार्ट से मिलकर बना होता है, या फिर टू पार्ट को एक साथ क्या बोलते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो एक ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लोबस पैलिडस, ग्लोबस ग्लोबस पैलिडस। ओके, और जो ये वाला पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं, पुटामन। ओके, ग्लोबस पैलिडस इन पुटामन, और इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो इसकी कॉनकेविटी है लेटरल साइड की, देखिए ना कॉनकेविटी लेटरल साइड की है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसे बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ओके, एंड देन इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की आपको लेटरली एक और चीज़ ड्रॉ करनी है, उसे बोलते हैं क्लोस्ट्रम। देखिए अभी आप बस नेमिंग देख लीजिए, इनका काम वाम आप धीरे धीरे जब जैसे जैसे न्यूरो आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपको नाम याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी। जो ग्रीन ग्रीन वाला ड्रॉ किया है इसे बोलते हैं क्लोस्ट्रम, CLAUSTRUM। ओके, तो दिस इज क्लोस्ट्रम। ओके, ये हो गया। अब बेसिकली तो देखिए ये पूरा थ्योरेटिकल बता दिया, फैन शेप कुछ नहीं, यहाँ से काट दिया इसको, ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया, दोनों पार्ट एक्सप्लेन कर दिए, तो ये खत्म। अब आते हैं इस चार्ट पे, हमने बोला था थ्योरेटिकल पोर्शन का एक एक पार्ट कवर करेंगे, एंटीरियर लिम, पोस्टीरियर लिम, जेनु, 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए वी शेप है, इसे हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले होता है जेनु, जेनु कहाँ होता है, एंटीरियर लिम एंड पोस्टीरियर लिम में। तो देखिए जो कोडेड न्यूक्लियस है उसके यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ, और थैलेमस के यहाँ पे भी मैं एक डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ, मतलब जो बेंड है इस बेंड को क्या बोलते हैं, जेनु। देखिए ना
जेनु क्या होता है, बेंड। बेंड किसके बीच, एंटीरियर लिम्ब एंड पोस्टीरियर लिम्ब के बीच। और इसकी कॉनकेविटी कहाँ होती है, लेटरल साइड। जैसे इसकी कॉनकेविटी लेटरल है, वी शेप कॉनकेविटी लेटरल होगी, तो बेसिकली जेनु की भी तो लेटरल ही होगी। ओके, तो ये क्या होता है, दिस इज एंटीरियर लिम्ब, आगे है तो एंटीरियर होगा। ये क्या होता है, दिस इज पोस्टीरियर लिम्ब, और एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब के बीच का पोर्शन क्या होता है, जेनु। तो एंटीरियर लिम्ब हो गया, किस किस के बीच, कोडेट न्यूक्लियस, चलो देखते हैं अभी। तो दिस इज एंटीरियर लिम्ब, जेनु एंड पोस्टीरियर लिम्ब एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। देखिए ना, दिस इज पूरा का पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट क्या होगा, रिट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट। तो जो ये वाला पार्ट है, दिस इज रिट्रो लेंटिफॉर्म, अब बेसिकली एक कौन सा होता है, सब लेंटिफॉर्म, मतलब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के जस्ट नीचे। देखिए ये क्या है, दिस इज सुपीरियर व्यू, हम इसे ऊपर से देख रहे हैं। अब सब लेंटिफॉर्म इसके नीचे होगा, तो बेसिकली हम उसे डायग्राम में ड्रॉ कैसे करेंगे यार, हम जब इस पूरे डायग्राम को ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ये लेटरल है, ये मीडियल है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, तभी तो एंटीरियर लिम्ब बोला, ये एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। अब बेसिकली सब लेंटिफॉर्म नीचे होगा, तो हम पांचवा पार्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो एंटीरियर लिम्ब हो गया, पोस्टीरियर लिम्ब हो गया, जेनु हो गया, रिट्रो हो गया, सबको हम यहाँ पे सब लेंटिफॉर्म पार्ट को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ये हो गया। अब बेसिकली एंटीरियर लिम्ब कहाँ होता है, बिटवीन कोडेट न्यूक्लियस। देखिए दिस इज कोडेट न्यूक्लियस का हेड, दिस इज हेड ऑफ कोडेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म का एंड। देखिए ये पूरा का पूरा लेंटिफॉर्म है, तो लेंटिफॉर्म के ओनली एंटीरियर पार्ट और कोडेट न्यूक्लियस दोनों के बीच क्या है, एंटीरियर लिम्ब, दोनों के बीच है एंटीरियर लिम्ब। कोडेट न्यूक्लियस कहाँ पे है, मीडियल साइड। तो देखिए दिस इज कोडेट न्यूक्लियस, कहाँ है, मीडियल। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का एंटीरियर पार्ट कहाँ है, लेटरल। तो ये पूरा का पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, उस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का भी एंटीरियर पार्ट कहाँ पे है, लेटरल साइड। तो ये हो गया पोस्टीरियर लिम्ब, दिस इज पोस्टीरियर लिम्ब बिटवीन थैलेमस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, दिस इज थैलेमस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का भी कौन सा पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का पोस्टीरियर पार्ट, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कहाँ है, लेटरल। तो देखिए लेटरल साइड है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, थैलेमस कहाँ है, मीडियल, तो मीडियल साइड क्या है, थैलेमस। जेनु, जेनु के लिए बेंड बिटवीन एंटीरियर लिम्ब एंड पोस्टीरियर लिम्ब, तो देखिए दिस इज बेंड, ऐसे 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 हुआ तो बेंड हो गया ना, तो एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब के बीच में बेंड है, कॉनकेविटी कहाँ है, लेटरल साइड। रिट्रो लेंटिफॉर्म बिहाइंड बिलो, ओके, तो समझ गए लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के जस्ट पीछे क्या होगा, रिट्रो लेंटिफॉर्म, क्योंकि यार ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा, रिट्रो लेंटिफॉर्म। इस न्यूक्लियस के जस्ट नीचे क्या होगा, सब लेंटिफॉर्म, ये हो गया। तो देखिए ये हो गया हमारा, दिस इज द डायग्राम ऑफ इंटरनल कैप्सूल। देखिए इसके अंदर जो फाइबर्स है ना झाड़ू वाले, वो ऐसे होते हैं, ऐसे इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होंगे, हमने फाइबर्स को पूरा को काट दिया है, ये पूरे फाइबर्स ही है, टिप टिप कर रहा हूँ ना, इस फाइबर्स हमने काट दिया है, क्योंकि हमने देखिए ना यहाँ पे बहुत सारे फाइबर्स है, झाड़ू को काटेंगे तो यहाँ पे बेसिकली पूरे जो भी फाइबर्स है सब दिखेंगे, तो ये पूरे फाइबर्स होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, दीज आर द फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल। फाइबर्स मतलब हमें पढ़ने हैं मोटर फाइबर्स एंड सेंसरी फाइबर्स, जो कि होगा हमारा फोर्थ पार्ट, ओके। तो हमने बोला था इंटरनल कैप्सूल को हम टू पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, सॉरी इंटरनल कैप्सूल के लिए क्या होंगे, इंटरनल कैप्सूल के लिए होंगे 6 पॉइंट एंड 3 डायग्राम। हमने अब तक इस वीडियो में अब तक क्या पढ़ लिया, हमने 3 पार्ट और 1 डायग्राम, मतलब इतना पोर्शन हमारा कवर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 पॉइंट एंड 2 डायग्राम और पढ़ने हैं इंटरनल कैप्सूल के लिए। तो इसके बाद का वीडियो क्या होगा, इसके बाद का वीडियो होगा हमारे लिए फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ओके। तो ये हो गया, एंड फाइनली देखिए अगर यार ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना भाई लोगों, तो बस आपको कुछ नहीं करना यार, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, चाहे आपकी मर्जी पड़े इस वीडियो के लिंक को अपनी मर्जी पड़े जहाँ डालिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, ट्विटर, या फिर क्वारा चलाते हो तो क्वारा पे डालिए, मतलब जहाँ भी जो भी सोशल मीडिया है ना, वहाँ मर्जी हो इस वीडियो के लिंक को डालिए, आपको इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है। बस यार आपसे बस एक चीज़ मांग रहा हूँ, ओनली शेयर, ओके। एंड पूरा इंटरनल कैप्सूल वो मैं बताता हूँ कि आपके लिए पूरा इंटरनल कैप्सूल एकदम टिप्स पे हो जाएगा, ओके। तो बस यार भाई लोगों शेयर कीजिए।